या रेसिपी देख लोगे तो आप भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे बनाने के लिए कि 5 मिनट में बन जानी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है सपना की प्यारी इस दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं गाइस। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब हवा चल रही है, धूप तो तेज है। तो आज खाने में क्या बनाया मैंने, ये दिख रहा है आपको। दाल बनाई है अरहर की, और इसमें अभी तड़का देना बाकी है। तो रोटी भी बन गई मेरी, और पराठे बना रही हूँ आलू के। तो ये घर में अभी खा लेंगे, और छोटे छोटे बना दूंगी तो स्कूल में भी ले जाएंगे टिफिन में बच्चे। भाई से नहा लिया मैंने, अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है। तो जैसे ही मैं नहाती हूँ तब मुझे भूख लगती है, तो मैं खाना अपने लिए परोस लेती हूँ, सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। आज पराठे जरूर मैंने आलू के बनाए थे, पर मैंने खाया नहीं था, सिर्फ ब्रेड, चाय और एक मट्ठी बस। फिर काम खत्म कर लेती हूँ तभी अच्छा लगता है मुझे, बैठ के आराम से खाना खाऊं। तो दाल बनाई थी वो तो मैंने आपको दिखाया ही था, और पराठा ये नहीं खाया मैंने, अब खाऊंगी। तो वो गरम कर लेती हूँ, बच्चों को बनाया था ना मैंने लंच के लिए, और हस्बैंड ने भी खा लिया एक एक, ये मैं खा लूँगी। तो ये ले लिए मैंने खाना गाइस, ये पराठा, रोटी, दाल और अचार, मिर्ची का भी है और ये आम का अचार है, पर वो मसाला है सिर्फ, आम नहीं है। तो मैं खा लेती हूँ। पराठा भी बहुत गर्म है, तो मैं पहले रोटी खाती हूँ। पराठा और दाल मुझे मतलब अच्छे लगते हैं, पराठा दाल के साथ अच्छा लगता है मुझे। और बस मैं खा लेती हूँ खाना, सुबह तो हस्बैंड के साथ ही नाश्ता होता है मेरा, शाम को सब हम इकट्ठा खाना खाते हैं। इसी टाइम बस अकेले अकेले हो जाता है सबका, अलग अलग मतलब खाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता पर खा लेते हैं। पर सुबह शाम तो साथ में ही खाते हैं सब, बैठ के छुट्टी होती है तो सब हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं बस। तो गैस में खाना खा लेती हूँ। गाइस खाना भी खा लिया मैंने, और मैं रेडी भी हो गई कहाँ के जाने के लिए, स्कूल जाऊंगी बच्चों को लाने। लो टाइम निकल गया पता ही नहीं चला मुझे, और मैं 1 घंटे आराम भी नहीं कर पाई और टाइम हो गया। लेकिन थोड़ी सा मेरे पास टाइम है, बहुत थोड़ी सा टाइम है, और वो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी थोड़ी से टाइम में ही बन जानी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बना के रखती हूँ हमेशा, और ये अभी से नहीं मतलब हम लोग अपने बचपन में भी ये खाते आए हैं, और जो दादी के टाइम, मम्मी के टाइम, मतलब हर टाइम में ये घर में बना के रखते हैं। और आप भी मुझे देखोगे शायद बनाते हुए, या रेसिपी देख लोगे तो आप भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे बनाने के लिए कि 5 मिनट में बन जानी है। और कुछ चीज़ों से और इतने फायदे होते हैं इस चीज़ के, तो आप भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। देखो त्योहार आते हैं, अभी 2 दिन पहले रक्षाबंधन था, मैंने दिखाया ब्रेड पकौड़ा बनाए, मिठाई खाई, मतलब कभी कभी हो जाता है त्योहार में, कभी फंक्शन हुए, कभी बच्चे मतलब दुकान से चीज़ें कुछ खाते हैं वो भी हम लोग खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं बाहर, कभी 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 हो जाता है। तो खाना के बाद जो मतलब खाना चाहिए वो बना रही हूँ मैं, वो दिखा रही हूँ आपको। तो मैं पहले दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ डाल के मैं बना रही हूँ। तो गाइस ये है अजवाइन, और ये जीरा, इसको हर बोलते हैं जो मसाले वाले के पास मिल जाता है। सारी चीज़ें मसाले वाले के पास मिल जाती हैं। और ये है हींग, और ये है सेंधा नमक, कोई कोई काला नमक भी कहता है, तो वो है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को मैं भून लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं, तवा मेरा गरम है और इसमें मैं डाल दूँगी। कम टाइम में, और बच्चों को भी मतलब बूढ़े भी जवान भी सभी लोग खाना के बाद 1 चम्मच खा लेना चाहिए इसको। हम खाते आए हैं तो ये हमें पता है, पर आप लोग भी अगर बनाते हो तो ठीक है, नहीं बनाते हो तो आप लोग भी बना सकते हो। तो इसको मैं भून लेती हूँ अच्छे से, और आँच को ना धीमे रखना है ताकि ये जल्दी से जले ना, अच्छे से भुन जाए। धीमा रहेगा तो अच्छे से आराम से भुन जाएगा, और तेज रखोगे तो तुरंत जल जाएगा और अंदर तक अच्छे से भुन नहीं पाएगा जीरा अजवाइन। तो इसी वजह से इसे धीमे आंच में रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये अच्छे से भुन जाएगा। तो ये फ़ायदेमंद होता है बहुत, बस एक चुटकी थोड़ा सा बस ले लेना है,
चाय तो रोज खा सकते हैं, चाय तो कभी कभी खा सकते हैं। और मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीजें ली है, और जैसे कि आप लोगों की फैमिली बड़ी है तो आप लोग ज्यादा ज्यादा चीजें ले सकते हो, और हमारे तो आप जानते हो मैं कभी बना लेती हूँ, इसमें टाइम लगता नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं बना लेती हूँ। मेरा तो हफ्ते 10 दिन चल जाए फिर दोबारा बना लूंगी, तो मैं बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा अभी तक मैंने वीडियो में कभी दिखाई नहीं, तो ऐसा होता है कुछ चीजें हमें फायदा कर रही हैं या हमें कुछ चीजों की जानकारी है तो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बस भुन गया मेरा, तो रख लेती हूँ और इसे पीस लेती हूँ, तो आप लोग चाहो तो कूट लो, अगर चूहो खाना है तो तरतरा नहीं चलेगा, कूटने वाला नहीं चलेगा, फाइनल पीसना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के मुंह में ना जीरा अजवाइन ऐसे साबुत आ गया ना, थूक देंगे पानी के साथ नहीं जाएगा, वो पिएंगे नहीं, तो इस वजह से इसको फाइनल पीस लो तो चूरन की तरह हो जाएगा। तो ये चूरन तो आराम से पानी के साथ ले सकते हैं बच्चे, कड़वा लगेगा कहीं, वो बच्चे हैं आप जानते हो, थोड़ा बहुत नखरे भी होते हैं बच्चों के, ये चीज़ें बहुत प्यार से पहला फुसला के देनी पड़ती हैं उनको, तो स्वाद का मतलब होता है, हेल्दी का मतलब नहीं होता पता, वो तो हमें बतानी पड़ती हैं कि बेटा अच्छी चीज़ है ये, वो पहाड़े पढ़ाने पड़ते हैं तब जाके आता है उन्हें समझ में। चलो तो इसको गाइस मैं पीस लेती हूँ, अब मेरे हाथ से ऐसे कैमरा पकड़े रहूंगी तो इसको पीसूंगी कैसे, तो मैं पीस के सीधे आपसे मिलती हूँ दिखाती हूँ। तो गाइस आराम से मैंने इस बेलन से कर लिया, तो ये देखो फाइनल एकदम पिस गया, क्योंकि वो भुन जाता है ना तो आराम से पिस जाता है, मैंने सिलबट्टे में इसलिए नहीं पीसा क्योंकि उस पर मिर्ची है और मिक्सी मेरे पास है नहीं, तो इस वजह से मैंने ये साफ रहता है मेरा स्लेब, तो मैं इसमें पीस लिया। तो अब मैं इसे इकट्ठा कर लूँगी और बस अभी दिखाती हूँ। तो गाइस इसको मैंने पीस लिया और ये देखो चूरन बन गया पूरा, इसमें डाल देती हूँ मैं सेंधा नमक। तो जितने मेरे पास ये चूरन है उसी हिसाब से मैं नमक डाल लेती हूँ इसमें, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा बना सकते हो, मैं तो बस आपको रेसिपी दिखा रही थी ताकि आप लोग भी बना सको, और इसमें खटाई भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, आमचूर आता है। तो ये देखो गाइस ये फाइनल मेरा बन गया और बस इसको मैं भर लेती हूँ इसमें, तो मैं रखती हूँ हमेशा, और ये देखो। तो गाइस इस चूरन को तो भर ली मैंने इस डिबिया में, और बस जब हमें मतलब ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जैसे फास्ट फूड खा लिया, कोई हैवी मतलब खाना जो जल्दी पचता नहीं है, तो एक चुटकी खा लूँगी, और थोड़ी सी तो मैं भी खाऊँगी क्योंकि वो खाया मैंने ना आज आलू के पराठे, तो ये मैं खा लेती हूँ। आप हाजमोला तो खाते हो ना, हाजमोला तो सभी ने खाया होगा और खाते हैं लोग, तो उसी तरीके की टेस्ट होता है, लेकिन ये पचने में बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से मैंने बना लिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, रख सकते हो इसे हमेशा बच्चों के लिए, सबके लिए, मतलब खाना के बाद थोड़ी सा खाने के लिए अच्छा होता है। तो बस ये आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल संडे बच्चे घर में रहेंगे, तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय।